और हमारे साथ मीडिया प्रभारी जनाब अबू फरहान छोटू साहब। तो आप हमारे एक चाचा से बात करना चाहेंगे। चाचा आपका नाम? मेरा नाम खलीलुर्रहमान है। खलीलुर्रहमान साहब, आप आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना कीमती वोट किसे देंगे? हमें अख्तरुज्जमान को देना है। क्यों अख्तरुज्जमान को देंगे? वो उनका अखलाक सही है और वो काम करने वाला है। यानी कि अखलाक अच्छा है और काम कर सकता है आपके इलाके? जी जी, वो काम कर सकता है। पोल पाला जितना भी है, हम लोग को इतना झड़ना पड़ता है कि मुश्किल होता है। टहरागत में, इसमें हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई नहीं मिलता है। ब्लॉक में जाते हैं हम लोग, वहाँ दोस्तों कभी रहता है कभी नहीं रहता है, इसमें धमका भी नहीं देता है हम लोगों को। तो जी हाँ, ये थे जनाब खलीलुर्रहमान साहब, जिन्होंने अब कहा कि अगर अख्तरुज्जमान यहाँ से पार्लियामेंट इलेक्शन जीत जाती है तो हमारे इलाके की समस्या हाट में। अभी हम बात करेंगे पूर्व सरपंच साहब से कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रुझान है और क्या सोचते हैं सरपंच साहब। अभी चुनाव का टाइम है जी, चुनाव आएगा, चेहरा देखेंगे तब बताएंगे। तो मतलब फिलहाल अभी तो जैसे मतलब कि जदयू का भी है और कांग्रेस का भी, दोनों का पार्टी अभी ये जी जी जी, तो इसके विषय में आपको कहते हैं कि चेहरा देखा जाएगा, पार्टी देखा जाएगा, उसी अनुसार से वोट दिया। जी जी, ये सरपंच साहब का कहना है कि पार्टी अभी आलाकमान तय नहीं की है, किसको देगा देखेंगे हम लोग, कौन बनेगा कौन। लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है, किसको वोट देंगे? अभी तो यहाँ किशनगंज जिला से कभी एक बार बीजेपी जीत कर गया है। अच्छा। तब से बीजेपी का चांस ही नहीं है हमारे सोच के हिसाब से। हाँ। बीजेपी तो जीत ही नहीं सकेगा। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं फिर आप? अब जीत के कहाँ आया है, एक बार सिर्फ किसी कदर किसी घटना या किसी बेबस से वो जीत के चला गया। और कौन कौन था वो बीजेपी कैंडिडेट? वो अवध बिहारी शायद होगा शायद। नहीं नहीं, वो सैयद शाहनवाज था शायद। ओ सैयद शाहनवाज, जी जी। अवध बिहारी तो विधानसभा कैंडिडेट थे लेकिन वो हार गए। हाँ, अब आने वाला इलेक्शन आ ही रहा है सामने में। अच्छा, अब देखें कौन लकी बनता है, इसके लिए हमको इतना अनुभव तो नहीं है। फिर भी यानी कि आपको बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी का तो साथ देने से भी वो जीतता ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, जब एक तरफा वोट करेंगे तब ना वो जीतेगा। हाँ, एक तरफा हो ही नहीं रहा है। यानी कि आप क्या सोच रहे हैं फाइनली, किसको किसके समर्थन में आप हैं? अभी तो समर्थन मतलब कि देखें किसका पक्ष में कौन क्या है नहीं है, मतलब आने वाला भविष्य ही बताएगा। और रहा सवाल टिकट, अच्छा वैसे बढ़िया कैंडिडेट को दिया जाए कि हम लोग कैंडिडेट के हिसाब से आपके किशनगंज में कौन सा है? जैसे कि आपके जो MIM के हैं अख्तरुज्जमान साहब हैं और एक भाजपा गठबंधन यानी कि JDU के तरफ से महमूद असफ साहब लगभग माना जा रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। उसके तरफ कांग्रेस की तरफ से 4-5 कैंडिडेट हैं, मतलब दावेदार। आपके बहादुरगंज से तौसीफ साहब हैं, किशनगंज से जावेद साहब हैं, मौलाना साहब के छोटे भाई जाहिदुर्रहमान साहब हैं और दीगर लोग हैं, उनके हिसाब से किसको आपको अच्छा लग रहा है? कैंडिडेट तो सबको मतलब मिला जाए, काम के विकास में देखते हैं। अभी बोलबाल के हिसाब में अख्तर साहब ही है। बोलबाल के हिसाब से अख्तरुज्जमान साहब हैं? तो आप यानी कि बोलबाल के हिसाब से वोट देंगे या फिर काम के हिसाब से वोट देंगे? काम के हिसाब से तो वही है, अभी जीते ही नहीं, उस बार को जिता के दिखाएंगे। यानी कि एक बार नहीं जीते, एक बार जिता करके दिखाएंगे अख्तरुज्जमान को, अगर बढ़िया लगेगा तो। बैगना हाट में तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका नाम? नौशाद आलम। मोहम्मद नौशाद आलम साहब, आपके टेढ़ागाज में क्या क्या समस्या है? पिछले 5 साल से जो बीजेपी की हुकूमत है आपके हिंदुस्तान में, उसमें क्या आपको प्रभाव पड़ रहा है और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें क्या फ़र्क है, आप बताएंगे थोड़ा? अब तक तो हम लोगों का टेढ़ागाज प्रखंड में अभी कोई विकास के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं है और न ही विकास हुआ है और न ही लगता है कि विकास कराएगा ये बीजेपी वाला पार्टी। अच्छा, और क्योंकि मेरे यहाँ जाने का अभी रास्ता अगर देखा जाए तो बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है और गली गली में बिल्कुल अभी भी कीचड़ लगा हुआ है मेरे। तो आने वाला लोकसभा चुनाव में किशनगंज क्षेत्र से आप क्या चाहते हैं, किसे अपना नुमाइंदा बनाना चाहेंगे? कोई बढ़िया कैंडिडेट हो जो नया चेहरा में हो। नया चेहरा में आपके सोच में कुछ? मेरा सोच में क्या, अभी फिलहाल अभी उभरा हुआ है MIA वाला, वो अख्तरुज्जमान साहब कैंडिडेट के रूप में। अच्छा, तो हम तो अपने आप को सोचते हैं कि उनको दिया जाए और उससे बेटर कोई अभी दिखाई भी नहीं जा रहा है। यानी कि आने वाला चुनाव में आप कैंडिडेट के नाम पर अख्तरुज्जमान साहब को वोट करेंगे, पार्टी के नाम पर नहीं? हाँ, अब तक सोच है मेरा। अब तक सोच है, फिर आगे बदल भी सकता है क्या? आगे कैंडिडेट के रूप से आप टिकट किसको मिलता है, अगर टिकट के रूप से जैसा कि कांग्रेस का हमने टिकट नया चेहरा में अगर किसी को दिया जाता है तो फिर उस वक्त सोच कुछ हो सकता है कि नज़दीकी कोई क्लोज हो जाए। अच्छा, तो उनको सोचना पड़ेगा। तो यानी कि अभी मौजूदा वक्त में कैंडिडेट के नाम पर आप अख्तरुज्जमान साहब के समर्थन में हैं। हाँ, और जब टिकट की घोषणा हो जाएगी अगर आपका कोई नज़दीकी होंगे तो फिर विचार का विषय होगा। जी 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 जी, तो धन्यवाद देते जनाब नौशाद आलम साहब, जो हालात आगे आने पर वो फैसला करेंगे। फिलहाल वो पंचायत के बैगना हाट में। तो हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हुए, आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? जी लाड। लाड भाई जुड़े हुए हैं आपसे, मैं जानना चाहूँगा अगला लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है?
किसके किसको वोट करेंगे, कौन कैंडिडेट अच्छा लग रहा है? आप कैंडिडेट का नाम बता दें। अभी तो मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, लोग देखेंगे हालात के मुताबिक जी, या फिर पार्टी को, पार्टी के हिसाब से कांग्रेस भाजपा या MIM या दीगर कोई पार्टी, कोई पार्टी जो भी ज़्यादा अच्छा दिखेंगे। अब कैंडिडेट के नाम पर वोट करेंगे या पार्टी के नाम पर? आप पार्टी, पार्टी के नाम पर, कौन पार्टी? जैसे कोई सभी पार्टी, कांग्रेस भाजपा या फिर कुछ जैसा लगेगा हमको कि मतलब हालात के हिसाब से जो नजदीक आएगा जो उसके हिसाब से फैसला करेगा। हाँ, उसके तो धन्यवाद देते लाड भाई जिन्होंने कहा कि वक्त और हालात के हिसाब से आगे फैसला किया जाएगा। अगला MP इलेक्शन में कामयाबी मिल जाएगी आपकी पार्टी, आपको जरूरी मिलेगा तो उम्मीद है पूरा पूरा। कैसी कैसी तैयारी चल रही है? और हमारे साथ मीडिया प्रभारी जनाब अबू फरहान छोटू साहब, तो आप हमारे एक चाचा से बात करना चाहेंगे। चाचा आपका नाम? मेरा नाम खलीलुर्रहमान है। खलीलुर्रहमान साहब, आप आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना कीमती वोट किसे देंगे? हमें अख्तरुज्जमान को देना है। क्यों अख्तरुज्जमान को देंगे? वो उनका अखलाक सही है और वो काम करने वाला है, यानी कि अखलाक अच्छा है और काम कर सकता है आपके इलाके की? जी जी, वो काम कर सकता है। पोल पाला जितना भी है, हम लोग को इतना झड़ना पड़ता है कि मुश्किल होता है। टहरागत में, इसमें हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई नहीं मिलता है। ब्लॉक में जाते हैं हम लोग, वहाँ दूसरों को भी रहता है, कभी नहीं रहता है, इसमें धमका भी देता है हम लोगों को। तो जी हाँ, ये थे जनाब खलीलुर्रहमान साहब जिन्होंने अब कहा कि अगर अख्तरुज्जमान यहाँ से पार्लियामेंट इलेक्शन जीत जाती है तो हमारे इलाके की समस्या। MP का इलेक्शन में आपके किन के साथ होंगे, कौन आपको अच्छा लग रहा है? आने वाला इलेक्शन में जी जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट होगा, अच्छा, उसी को वोट दिया जाएगा। फिलहाल कोई कैंडिडेट आपको नजर में अभी फिलहाल? वैसे कौशिक भी है, अच्छा, और उनके बाद असरारुल हक का जो भाई है जाहिदुर्रहमान जी, अच्छा, इन दोनों को देख करके किसी अच्छा कैंडिडेट को हम लोग, यानी कि इन दोनों में से कोई भी आएगा तो उनको वोट देंगे आप? जी। कौशिक साहब या जाहिदुर्रहमान साहब, लोकसभा चुनाव के बारे में क्या ख्याल है? बस बिल्कुल, हम लोग अख्तरुल ईमान के ही हैं। क्या अच्छा लगता है, किसकी उसकी खासियत कौन सी अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छे, उसका बहुत अच्छा लगा, सबकी स्वभाव भी अच्छा है, बहुत बातचीत में, अच्छा, जो हो जाए स्वभाव अच्छा रहने से होगा ना, काम भी करने वाला आदमी है, काम करने वाला, हर चीज बोल वाला, हर चीज है उसके अंदर। लोग हम लोग जो क्षेत्र में जाते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि इस बार जैसे भाजपा सरकार है, इस बार भी हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे, मतलब क्या ख्याल है आपको? नहीं, हम लोग तो यही है, अख्तरुल ईमान की पार्टी है। क्या लग रहा है अगर सिर्फ आप वोट दे देंगे या कुछ वोट देने पर अख्तरुल ईमान? नहीं, बहुत जगह हम लोग बोलते भी है, रिश्तेदार के पास भी जाते हैं, हर जगह कहीं भी जाते हैं, तो अख्तरुल ईमान ही, क्या बात सुन ली, किसी को देंगे। फाइनली आप अख्तरुल ईमान साहब की साथ में नाकिर आलम और हमारे साथ जुड़े हुए मीडिया प्रभारी अबू फरहान छोटू साहब। अभी हम लोग चुनाव के बारे में लोगों से राय जान रहे हैं। अभी किशनगंज जिला अंतर्गत टेरागत प्रखंड के हवाकोल पंचायत के कबीर चौक में मौजूद है और लोगों से राय जानना चाहेंगे कि अगला लोकसभा चुनाव में क्या लोगों का रुझान हो पाता है। तो हमारे साथ चाचा जुड़े हैं, आपका नाम क्या हुआ? आलिम अख्तर साहब, अगला लोकसभा चुनाव में आपका क्या ख्याल है, किसके किसके तरफ आप हैं? किसके तरफ, कांग्रेस के तरफ, भाजपा के तरफ, MIM के तरफ? MIM के कैंडिडेट अख्तरुल ईमान साहब हैं आपके क्षेत्र से, और कांग्रेस और भाजपा वाले ने टिकट की अभी घोषणा नहीं की है, फिलहाल अख्तरुल ईमान साहब को ही आप कामयाब करेंगे। और हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, बात करेंगे, तो आपका नाम क्या है, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम दीपलाल ऋषिदेव है। दीपलाल ऋषिदेव, कुछ दिन बाद, 35 दिन बाद यहाँ पर MP का वोट होने वाला है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, किसको वोट देने से अच्छा रहेगा? जो मतलब चला रहा है बढ़िया तरह से, अच्छा, उसी को वोट नहीं दिया जाएगा। जो अच्छा तरह से चलाएगा उसी को दीजिएगा, उसी को देंगे ना। अगर जो खराब तरह से चलाएगा तो उसको नहीं देंगे। अच्छा, अगर कोई आप ऋषिदेव है और कोई यहाँ पर मुसलमान बढ़िया करने का होगा तो आप उसको देंगे या हिंदू कम करने वाला? ना, जो काम करने वाला उसी को देंगे। कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, यानी जाति धर्म से ऊपर उठ कर आप वोट करेंगे? जाति धर्म से कोई नहीं, जो चलाने वाला है उसी को मिलेगा। जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, जो अच्छा होगा उसी को वोट दीजिए। चुनाव में MP का इलेक्शन होने वाला है कुछ दिन बाद, उसके लिए आपका क्या ख्याल है, किसको वोट देंगे? अख्तरुल ईमान को देंगे। अख्तरुल ईमान, क्यों? वो तो मुसलमान आदमी है, हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब भाई भाई हैं हिंदुस्तान। मैं लोग कहता कि हिंदू अगर कैंडिडेट होगा तो उसको देंगे, तो मुसलमान फिर ऐसा कुछ नहीं सोचे, एकदम बिल्कुल अख्तरुल ईमान को ही देना है, उसी को जिताना है। हमारा किशनगंज क्षेत्र में रोड घाट देखिए, सब उभर उभर करके, कोई इतना कौन MP था वो भी विधायक कोई काम ही नहीं करता है। यानी आपको, यानी कि जात पात से कोई मतलब नहीं है हमको, जो काम करने वाला होगा उसी को। नाम से अंजरी बेगम,
कुछ दिन बाद एमपी इलेक्शन होने वाला है, बार तोर की ख्याल से काक भट्टा दल ताकि वहाँ तोर इलाकर काम करो? हमारा अख्तरुल इमाम के दुमार दूसरा ना का कोई सब वो खाने वाला छे। अच्छा पार्टी उठी गेटा तो एमआईएम पार्टी से कोई भाजपा से कांग्रेस से बड़का पार्टी से बार बार कोई ख्याल? कोई ख्याल नहीं, खाली यहाँ के दुम वोट अख्तरुल इमाम के भोट दू। हाँ लाओ के अगर वहाँ भोट दे दू तो वहाँ तोर इलाकर काम करो सको? वैसे घोर देखे जाए वहाँ वाला देखने वाला नहीं। धन्यवाद इनका है कि बिल्कुल पार्टी उठी से ऊपर उठ करके दलबल से मौजूद है और लोगों से रुझान जानने के अगर लोकसभा चुनाव के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, किसको वोट करेंगे ताकि आपके अपने इलाके की समस्या दूर हो। तो फिलहाल हम हमारे बीच एक चाचा मौजूद हैं, आपका नाम क्या हुआ? कन्हैया लाल सिंह। कन्हैया लाल सिंह, अगला कुछ दिन बाद एक डेढ़ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बढ़िया ख्याल है, चुनाव में तो हम लोगों को अपना माने कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट जिताना चाहिए जो कि माने कम से कम गरीबों का काम करे। और बेरोजगारी हमारे यहाँ तो बहुत सारे माने समस्या है कि एग्रीकल्चर पर है क्या, बेरोजगारी का है, शिक्षित लोगों का है, गरीबों का जो है उत्थान के लिए है, रोड नहीं है, बिजली पानी जो है ये अभी चल रहा है, क्या कहते हैं किसान को माने क्या क्या मिल रहा है, यहाँ का ब्रोकर लोग जो है मैंने कुछ मैंने जल्दी से लोगों को बता ही नहीं रहा है। तो फिलहाल ये सब जितने सारे परेशानी बताए तो इससे पहले भी आपका सांसद बहुत सारे लोग रहे, कुछ दुनिया में है कुछ चले गए और विधायक भी आपके मौजूदा है, लेकिन ये सारे लोग दूर नहीं कर पाए। अब अगला लोकसभा चुनाव में किसको बनाया जाए ताकि आपकी समस्या दूर हो सके? नहीं हमारे यहाँ से तो बहुत कामयाब आदमी है अख्तरुल साहब, उसको वोट देना चाहिए लोगों को सोच समझ करके। अख्तरुल साहब जी लग रहा है कि अगर वो जीत जाएंगे तो एकदम इलाका का काम करेगा, एकदम इलाका का काम करेगा। भाई घर का आदमी है, कोचा दामन कौन सा दूर है मेरा, टेरागंज और कोचा दामन कौन सा दूर है? दूर तो नहीं है लेकिन फिलहाल अपना जिला वासी तो है कम से कम। और आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? और बिजली का समस्या है, नाला का समस्या है, इसी तरह का ढेर सारा समस्या है जो है। यानी कि इस बार आप पार्टी उठी से ऊपर उठ कर जात पात से ऊपर उठ कर एकदम बिल्कुल बिल्कुल करेंगे? इस बार नहीं, इस बार नहीं, मेरा कहना है कि इस बार नहीं, हर बार जो है बढ़िया आदमी को लोग मने वोट दे और अच्छा काम ले। यानी पार्टी उठी से कोई मतलब कोई लोग से मतलब है? एकदम आदमी से मतलब है, सक्षम आदमी, कर्मठ आदमी होना चाहिए जो गरीबों का दुख दर्द में शामिल हो। धन्यवाद, इन्होंने कहा है कि अगला लोकसभा चुनाव में दलबल से ऊपर उठकर जात पात से ऊपर उठकर के अख्तरुल इमाम साहब को कामयाब करेंगे और पार्लियामेंट भेजेंगे ताकि हमारे इलाके का समस्या दूर हो। जनाब अबू खान छोटू साहब मीडिया प्रभारी, तो अभी हम लोग किशनगंज जिला अंतर्गत टेढ़ागढ़ प्रखंड के झुंझुनू मसारा पंचायत में मौजूद हैं और लोगों से जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि अगला लोकसभा चुनाव के बारे में लोगों का क्या रुझान है। हमारे साथ अभी भाई साहब जुड़े हैं, आपका नाम? तो अगला लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो पार्टी जो है हमारे पार्टी है, अच्छा जी है बाबू बाबू का इनको मतलब जिताने की किसको जिताने क्यों सही है आता सही है। वो कहते पार्टी अच्छा नहीं है फिर आप कह रहे हैं जी है वो तो फिर हिंदुओं की बात करते हैं नहीं नहीं गलत बात है। तो क्या लगता है जो आने वाले इलेक्शन में अब्दुल इमान को वोट देने ताकि जितनी भी है उनको वोट देने की काफ़ी अच्छी आवाज़ और काफ़ी मतलब ऐसे ऐसे चीज़ को समाज की बुराइयों को हर जगह से हर एक दिलों की आवाज़ के लिए मतलब पांडे अमन ब्लॉक लेवल तक पहुँचने को काम करने धन्यवाद। अगर लोकसभा चुनाव के बारे में एक आदमी कहने से नहीं होता है, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, मैं एक आदमी जनता की अगर बात की जाए जनता ऐसे किसी से खुश नहीं रहता है, नेता तो कोई नेता कुछ कर दे खुश नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस भी अच्छा पार्टी है, कांग्रेस को भी मैंने देखा है उसको मेरे बहुत पहले आदमी देखे हैं हम लोग तो नहीं देखे लेकिन हम लोग उसका विकास देखे हैं। अक्सर साहब का अक्सर साहब में हुई और कार्यकर्ता के रूप में भी आप थे उसके पास जी कार्यकर्ता में भी सर आपका शुभ नाम? कहाँ से बन तो अगला लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या सोच है? देखिए हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, बात करेंगे तो आपका नाम क्या है, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम दीपलाल ऋषिदेव है। दीपलाल ऋषिदेव, कुछ दिन बाद 35 दिन बाद यहाँ पर एमपी का वोट होने वाला है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, किसको वोट देने से अच्छा रहेगा? जो मतलब
चला रहा है, चला रहा है बढ़िया तरह से, अच्छा उसी को वोट नहीं दिया जाएगा। जो अच्छा तरह से चलाएगा उसी को दीजिए, उसी को देंगे ना। अगर जो खराब तरह से चलाएगा तो उसको नहीं देंगे। अच्छा, अगर कोई आप ऋषि देव है और कोई यहाँ पर मुसलमान बढ़िया करने का होगा तो आप उसको देंगे या हिंदू काम करने वाला? नहीं, जो काम करने वाला उसी को देंगे। कोई जाति धर्म से कोई मतलब? कोई मतलब नहीं, यानी जाति धर्म से ऊपर उठ कर आप वोट करेंगे? जाति धर्म से कोई नहीं, जो चलाने वाला है उसी को मिलेगा। जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, जो अच्छा होगा उसी को वोट दीजिए। अब्दुल हसन साहब, लोकसभा चुनाव के बारे में क्या ख्याल है? बस बिल्कुल, हम लोग ईमान के ही है। क्या किसकी उसकी खासियत कौन सी अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छा, उसका बहुत अच्छा लगा, सबकी स्वभाव भी अच्छा है, बहुत बातचीत में अच्छा जो हो जाए। स्वभाव अच्छा रहने से होगा ना, काम भी करने वाला आदमी होना जी, काम करने वाला, हर चीज बोल वाला, हर चीज है उसके अंदर। लोग हम लोग जो क्षेत्र में जाते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि इस बार जैसे भाजपा सरकार है, इस बार भी हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे, मतलब क्या ख्याल है आपको? नहीं, हम लोग तो यही है, अक्तुल ईमान की पार्टी है। क्या लग रहा है अगर सिर्फ आप वोट दे देंगे या कुछ वोट देने पर अक्तुल ईमान? नहीं, बहुत जगह हम लोग बोलते भी है, रिश्तेदार के पास भी जाते हैं, हर जगह कहीं भी जाते हैं, अक्तुल ईमान ही क्या बात सुन रहे, कुछ ही वोट देंगे। फाइनली आप अक्तुल ईमान साहब की आपका नाम जानते जैसे इलेक्शन नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे हिंदुस्तान सहित खासतौर पर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का जो सियासी माहौल है वो गर्म होते जा रहा है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस गठबंधन और एनडीए गठबंधन की पार्टी ने अब तक टिकट की घोषणा नहीं की है, वहीं पर एमआईएम पार्टी ने अख्तरुल ईमान साहब को घोषणा कर चुका है। तो आप इस पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बार तो हम लोग सोचेंगे अख्तरुल ईमान साहब को मतलब कामयाब करना है। अच्छा, उसके बाद क्या लग रहा है, अख्तरुल ईमान अगर जीत जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर किसी और को चुनेंगे? इंशाल्लाह, मतलब अगर जीतेंगे तो लोकसभा में काम करेंगे, पूरा उम्मीद है। धन्यवाद। ये थे शाहनवाज आलम साहब, जिन्होंने कहा कबीर चौक में और लोकसभा चुनाव के बारे में लोगों से जानकारी। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर रोशन साहब, आगे लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले कि आप ये है कि अख्तरुल ईमान पराली का एजुकेटेड आदमी है और वो बोलबाला है उसके अंदर, ये नहीं कि इससे पहले वो अपने क्षेत्र में जीता है, उससे पहले MLA तो दो तीन बार रहा है, वहाँ विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ है और उसके अंदर बोली है, सलाहियत भी है, काम करने की क्षमता भी है और जहाँ भी वो बोलते हैं तो उनकी भाषण से ये मालूम होता है कि उनके अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को भी वोट देंगे या नहीं, पार्टी इसको नहीं देंगे, मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हर आदमी ये सोचता है जिसके अंदर बोली और जो आगे हमारा कोई भी काम के लिए आगे कुर्सी, लोगों का सोच है कि मेरा बाप दादा परदादा लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के आए, हम लोग भी वोट देंगे इस नए पार्टी MIM पार्टी को वोट नहीं देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। पहले के लोग ये सोचते थे, अब लोग ये जागरूक हो चुके हैं क्योंकि वो पार्टी को नहीं, अब विकास का काम को देखना चाहते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रोशन साहब, उन्होंने फाइनली कहा कि हम आने वाले इलेक्शन में अख्तरुल ईमान साहब के साथ दल बल से ऊपर उठ करके अख्तरुल ईमान की खासियत को देखकर उसे वोट करके पार्लियामेंट। और हम अभी बात करेंगे, यहाँ पर कुछ साथी लोग मौजूद हैं, तो सबसे पहले भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद है। तो अगला लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है ये कि अब हम लोग तो बहुत कांग्रेस को जीता करके हर चीज देख ली है उसका, लेकिन अब उसको नहीं जिताना है। अब किसको जिताना है? अब अख्तरुल ईमान को जिताना है पतंग छाप में। अच्छा, क्या लग रहा है अख्तरुल ईमान अगर जीत जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे? वो एकदम बिल्कुल सॉल्व करने वाला है और सॉल्व करने के लायक आदमी भी है। अच्छा। और कहीं भी वो डरने वाला नहीं है, अगर हम लोग बना के उसको भेज देंगे तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो खुद आ करके हम लोगों का हाल जानता है और पूछता है कैसे रहते हो, क्या करते हो, खुद आता है। और उसके अलावा कोई भी नेता मौलाना साहब को जिता दिए तो वो दिल्ली में जा करके हवा महल में रहने लगा। बहरहाल वो तो इंतकाल फरमा गया, अल्लाह उनको जन्नत से भी फरमाए। बहरहाल उसकी पार्टी अख्तरुल ईमान साहब की पार्टी उठी से कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, का पार्टी इतना अच्छा पार्टी है, लोग समझता नहीं है। वो अगर ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है उसके अंदर। वो हर इंसान को हिंदू मुस्लिम ये लोग वोट लेने के लिए ऐसा बोलता है कि ये इसमें जाएगा उसमें जाएगा। वो जीतने के बाद है ना, वो सबको दलित को जितना भी है सबको लेके साथ में चलेगा और चलता है। पंचायत के अंतर्गत कबीर चौक में और हमारे बीच कुछ लोग लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ लोगों से, अभी हम मौजूद हैं। चाचा
की नाम से तो माजुद्दीन साहब, अगला लोकसभा कुछ दिन बाद एक डेढ़ महीना बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, की ख्याल से तो तुम सारी देर? हाँ, हमारा अख्तरुल इमाम के साथ छी। क्या अख्तरुल इमाम के साथ छी, की अच्छा लगा तुम्हारा? अच्छा लगा, बोली चाली व्यवहार बोली चाली अच्छा लगा। हर वक्त साथ दो। अच्छा, हर वक्त साथ दो। अच्छा, किला अगर वहाँ जीते आते तो हृदय का समस्या दूर हो जाए। हमारे पंचायत में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, घर घर जाके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, और लोगों का कहना भी है कि हम इस बार अख्तरुल ईमान को भारी मतों से पार्लियामेंट भेजेंगे, और हमारा काम वही एक इंसान है जो कर सकता है। क्या अगर पंचायत के अंदर जाते हैं लोगों को जोड़ने के लिए तो कुछ क्या क्या सुनने को मिलता है पार्टी के? यही बातें आती है, पहले कांग्रेस था, उससे पहले भी कांग्रेस था, काफी दिनों से हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद फिर वोट आता है, वोट देने की बारी आती है, फिर आता है और वोट लेके चले जाता है। तो हम लोगों ने काफी सुना है कि अख्तर साहब पार्लियामेंट में काफी अच्छे आवाज से बोलते हैं, काफी बुलंद आवाज से बोलते हैं, और लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के लिए लड़ते हैं, दलितों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए हमारे पंचायत में, हमारे पंचायत के लोगों ने ये ठाना है इस बार कि अख्तर साहब को ही वोट डालेंगे और अख्तर साहब को ही। जी हाँ, यदि धन्यवाद पंचायत के पंचायत अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के जनाब महापौर साहब, उन्होंने कहा कि अपने पंचायत में बहुत बेहतरीन अंदाज से काम चल रही है, और इस बार हिंदू मुस्लिम एकता सारे लोग जोड़ करके अख्तरुल ईमान को काम। आखिर आलम, और हमारे साथ जुड़े हुए जनाब मीडिया प्रभारी अबू फरहान छोटू साहब, हम बात करना चाहेंगे। अभी हम लोग मौजूद हैं किशनगंज जिला अंतर्गत टेढ़ागाज प्रखंड मुख्यालय में। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। कुछ मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले भाई साहब मौजूद हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा सर। जी, मेरा नाम सिकंदर आवाज़ हुआ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, पूरा एड्रेस बताएंगे? मैं ये कोचाधमन प्रखंड और मोहम्मद पंचायत से बिलोंग करता हूँ। और बाकी आपका टेढ़ागाज आना कैसा हो? टेढ़ागाज खासतौर से मैच के लिए आया था, मगर कहना कि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो हम लोग सोचे कि हम लोग का जो सपोर्ट है नीम को लेकर के, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार नया चेहरा आए, और सभी नौजवानों का जहाँ तक है कि ये जो सीमांचल है, कहना कि नया चेहरा आने पर कुछ ना कुछ हमारे मुआशरे में तब्दीली होगी और अच्छा काम होगा। तो आपके क्षेत्र की तरफ अभी एमआईएम का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जोरों शोर से चल रहा है, क्योंकि सभी नौजवानों का और जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं हमारे, और खासतौर से जो एजुकेटेड लोग हैं, कहीं ना कहीं इससे जुड़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि जीत होगी। तो यहां पर जो खासतौर पे एमआईएम के जो प्रत्याशी जनाब अख्तरुल ईमान साहब, लगभग इससे पहले भी विधायक रहे आपके क्षेत्र से, जो कुछ किया वो खैर आप ही जानते हैं, बहरहाल क्या लग रहा है आपकी जो तैयारी, आप कैसे किस तरीके से साथ उनके साथ अगला लोकसभा चुनाव में? बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि मेहनत जाया नहीं जाएगा और इंशाल्लाह जीत होगी। और खासतौर से इलेक्शन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है अभी हमारे वहां और यहां भी हर जगह, ताकि लोगों में एक इंटेंशन आ जाए कि हमें वोट इसको करना है, और ताकि हमारा वोट गलत ना जाए, और एक नया चेहरा है और हमारे सीमांचल को कुछ अलग काम करने को जाए, ताकि यही मेरा ज़्यादा मानना है कि सुलेमान ही हमारे एमपी के लिए बेस्ट है और अच्छा है। धन्यवाद। ये थे जनाब सिकंदर नवाज साहब, जो कोचाधमन प्रखंड के मौधव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में एमआईएम के जो प्रत्याशी जनाब अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करते हैं। तो आपका नाम क्या हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद मुबारक आलम, मैं मौजूद नियामतपुर प्रखंड कोचाधमन से बिलोंग कर रहा हूँ। तो आपके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के बारे में कोचाधमन साइड और मौधव साइड क्या सोच है, क्या परिवर्तन चाहती है, या कांग्रेस चाहती है, या फिर अलग दल चाहती है? देखिए, हमारे वहाँ पर देखिए कोचाधमन प्रखंड में, या फिर मतलब यानी मेरे ख्याल से ये है कि मतलब यानी मैं जो चाहता हूँ, मैं अपना बात बोल रहा हूँ, किसी और का तो कैसे कैसे तो मतलब इज्जत आने की पता चलेगा। मैं मेरा जो राय है, मैं सोचता हूँ कि मतलब आगे का जो भविष्य होगा वो मतलब यंगिस्तान होना चाहिए, पूरा मतलब यंग होना चाहिए, ऐसा कि मतलब यानी जो हमारी आवाज़ों को सुने। जैसे मैं आपके मतलब बगल वाला जो राज्य है यूपी, वहाँ पर जो आपका मतलब वो क्या नाम अखिलेश यादव जो यंग है, मतलब यानी ऐसा एक शख्स को हम अपना विधायक और एमपी बनाए जो मतलब यानी हमारी आवाज़ों को सुने, हमारा जो दुख दर्द हमारे घर में जो मतलब यानी गांव समाज में जो मतलब मुसीबत हो उसके मतलब यानी उसके कान तक पहुंच सके। तो ऐसा कोई नाम आपके क्षेत्र से जो कि मर्द मुजाहिद या फिर
जवान नौजवान जो युवक नौ युवक की बात करते हैं उसमें कोई लिस्ट में नाम जी? मैं तो सिर्फ एक ही को सपोर्ट करूंगा और वो है मतलब हमारे क्षेत्र के जनाब अख्तर साहब। अख्तरुलईमान साहब के बारे में कह रहे हैं, अख्तरुलईमान साहब आपके क्षेत्र से लगभग 8-9 साल विधायक रहे, तो उस विधायक पद में रह करके क्या कुछ किया आपके क्षेत्र में विकास के बारे में काम? जी सर, विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है और यहाँ तक बात ये है मतलब विकास तो विकास और भी सारी बहुत सारी घटनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किशनगंज में जो भी आपका एएमयू सेंटर, उसके लिए मतलब मेन योगदान आपका अख्तरुलईमान साहब का है। उसके वजह नहीं बहुत सारा अभी जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है जिसका नाम क्या है आपका यानी MIM हमारे असदुद्दीन अवैसी, वो मतलब एकलौता ऐसा चेहरा है जो पूरे इंडिया में एकलौता ऐसा चेहरा है जिसको मतलब यानी नंबर वन में माना जाता है, वो एक बैरिस्टर है। तो लोगों का कहना है कि MIM पार्टी वो कॉमनल पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की बात करके आप कहाँ तक सही कहते हैं? देखिए कॉमनल बोलना वो मतलब यानी अब लोगों पे डिपेंड करता कौन क्या सोचता है किसका क्या राय है। मेरे ख्याल से मतलब यानी कॉमनल तो नहीं, मतलब वो सबको साथ में लेके चलता है और मतलब यानी कॉमनर को साइड करके देखिए आप, मतलब ये देखिए कि मतलब कौन कितना टैलेंटेड है, किसके अंदर क्या एजुकेशन है। आप मतलब कुछ दिन पहले अमेरिका में जो एक सभा हुआ उसमें से क्या होता है कि हर देश का मतलब जो स्पेशल आदमी होता है उसको इनवाइट होता है, और जो MIM पार्टी का जो मेन है जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब उसको इस बार इनवाइट किया गया। मतलब तो जी हाँ, हम लोग का पिछले एक दो महीने से लगभग क्षेत्र के अंदर सर्वे कर रहे हैं, लोगों का कहना है जैसे भाजपा हिंदूवादी की बात करती है उसी तरह MIM मुस्लिमवादी की बात करती है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो कोई बात नहीं कि वो सिर्फ आपको मतलब मतलब कोई बात नहीं है, यानी मेरा तो ये राय है कि मतलब यानी वो भी MIM पार्टी के लिए मेरा ये राय है कि वो भी सोचे कि मतलब हम सबको लेके चले, क्योंकि ये एक कहावत है ना कि इत्तेहाद में ही बरकत है, यूनिटी स्ट्रेंथ, अगर वो एकता बनाए रखे तो यानी ना हिंदू ना मुसलमान हम सब तो एक ही है। तो जी हाँ भाई साहब बता रहे थे कि MIM पार्टी के लोगों की जहन में बैठा हुआ कि मुसलमान की बात है, कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चलने वाली एक पार्टी है। और मैं उन्हें भी कुछ दिन बाद इसे MP इलेक्शन होने वाला के बार बार, तो की ख्याल है काक भरता जी वो दिल अच्छा है अपना देश विकास कर फिलहाल तो इधर किसान इंदिरावास मिले तो नहीं मिलिया है, बाकी इधर वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिलो कुछ नहीं मिलो, तो सरकार से की चाची या फिर का जीता ले तो फायदा हवा सको इधर जी अपना देश ये करवे काम करवे वाके दुमने है, यानी कि जो तरक्की करवे वाके दुमने है, और फिलहाल तिकारा नाम जाने वक्त दिले अच्छा अच्छा चल रहा है सर। देखिए हमने कसम खाई है इस बार अख्तरुलईमान साहब को पार्लियामेंट बिल्कुल भेजना ही है, और चारों तरफ चर्चा है, हर गांव गांव हर वार्ड जा जा करके घर घर लोगों को हम ये जागरूकता कर रहे हैं। इस बार सब औरतें महिलाएं भी कह रही है कि अख्तरुलईमान साहब पूर्व में पोचा धामन के विधायक थे और उस वक्त मौलाना साहब MP रहने के बावजूद हमारे क्षेत्र में वो नहीं आए, जो सहयोग हुआ अख्तरुलईमान साहब हम लोगों को सहयोग दे गए और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और इस बार भारी मतों से उनको पार्लियामेंट भेजना है। धन्यवाद। बादल आलम साहब MIM पंचायत अध्यक्ष।